सर्दियों के मौसम में अगर आपने आलू के पराठे नहीं खाए तो सर्दियाँ पूरी फीकी ही है। चाहे आप कितने भी पराठे बना लें, लेकिन आलू के पराठे की कुछ बात ही अलग होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी आलू के पराठे। आप देख सकते हैं कितने गर्मा गर्म बने हुए हैं ये, और इसकी फिलिंग जो है एकदम अंदर तक भरी हुई है। इतने ईजी हैं कि आप चाहे जब इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, यमी और टेस्टी। जब आप इस तरह से दही में डुबोकर इसको खाएंगे ना, तो बस सर्दियों का असली मज़ा तो यही है। तो इस टेस्टी सी यमी से पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे मैंने पहले ही छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। और अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हमें कोई मोइन या फिर तेल वगैरह नहीं डालना है। आटे में अच्छी तरह से अजवाइन और नमक को मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है हमको। आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, इस तरह से लचीला, देखिए एकदम सॉफ्ट। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, बटर या फिर तेल। तो मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल लगाकर हम इस आटे को रख देंगे साइड में, जब तक कि हम इसके अंदर की स्टफिंग बनाएंगे, तब तक में हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने तेल लगा दिया है। अब इसे हम छोड़ देते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैंने ये 4 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। इसे इस तरह से पोटैटो मैसर से या फोक से या फिर हाथों से ही अच्छी तरह से इन्हें हम तोड़ लेंगे, एकदम मैसी सा कर देंगे, जिससे कि बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। तो बढ़िया सा हमारा आलू जो है वो तैयार है। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पर हमने लिया है चाट मसाला 1 चम्मच। ढेर सारा धनिया डाल देंगे, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें प्याज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मसाला रेडी है हमारा। आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसमें से हम 1 लोई कट करेंगे। तो आटा जितना ही लचीला होगा, उतने बढ़िया और बेहतरीन हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। अजवाइन के साथ बनाएंगे तो ये डाइजेस्टिक भी रहते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इनमें। तो आटे में हम इस तरह से डस्ट करेंगे और इसकी 1 कटोरी बनाएंगे। तो इस तरह से कटोरी बनाकर भरने से क्या होता है कि पराठे फटते भी नहीं हैं, ढेर सारी इसके अंदर स्टफिंग भी आ जाती है और बनाना आसान हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया से स्टफिंग को हम भर देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने जैसे चाट मसाला का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास वो ना हो तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यदि दोनों ना हो तो थोड़ा बहुत आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए बढ़िया से हमने इसे सील कर दिया है। पराठा एकदम स्टफ्ड हो चुका है हमारा। आटे में डस्ट करेंगे और थोड़ा सा हम हाथों से इसको बढ़ाएंगे। ऐसा करने से कभी भी पराठे बनाते समय वो फटते नहीं हैं, स्टफिंग बाहर नहीं निकलती, और 1-2 बेलन आप मारेंगे ना तो बस उतने में पराठा हमारा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इसे हाथों से बढ़ा लिया है इस तरीके से। अब 1 बेलन हम जिसमें हम रोटी बनाते हैं उसमें भी हमने आटा डस्ट कर लिया, और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बेल लेना है। तो किसने किसने अभी तक आलू के पराठे नहीं बनाए हैं कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और मैंने बहुत सारे पराठों की रेसिपी अपने चैनल में अपलोड की हुई है, तो आप जल्दी से जाकर देखिए। बहुत ही यमी और टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं वो, और बहुत ही ईजी वे पे। और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे तवे में। तो तवा जैसे चाहे वैसे गर्म करें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना रखें, नहीं तो फिर क्या होता, जल जाते हैं पराठे। तो जैसे ही ये एक तरफ से अच्छे से सेक जाए, दोनों तरफ से सेक कर आप यहाँ पर तेल, बटर, घी जिससे चाहे उससे सेक लें। वैसे जो पराठे होते हैं वो देसी घी के बहुत यमी लगते हैं, लेकिन हम लोग हेल्थ के चलते आजकल ज़्यादा घी वगैरह नहीं खाते। तो तेल डाल दें आप इस तरीके से, तो तेल डाल दें जितना आपको लगता हो कम ज़्यादा, उस हिसाब से सेक लें इन्हें। बटर के पराठे भी बहुत यमी लगते हैं। कौन कौन बटर में खाता है, घी में या फिर तेल में, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बढ़िया से हमने दोनों तरफ से पराठों को सेक लेना है।
आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया होकर आ रहा है और स्टफिंग एकदम अंदर तक भरी हुई है। तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमने एक और पराठा बना लिया है, इसे भी दोनों तरफ से सेक लेना है। टेम्परेचर गैस का आप बिल्कुल बढ़िया से रखिएगा, इतना भी नहीं कि बहुत तेज़ हो जाए और या फिर बहुत लो भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है हमको बिल्कुल। और इस तरह से तेल लगाकर अच्छे से या फिर घी लगाकर इसे सेकना है। बहुत ही यमी यमी, जब आप इसे दही के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ या फिर आप इसको सॉस में भी खाएंगे तो बहुत यमी लगता है ये, और अचार में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, और बच्चों का तो ऐसा है कि आप उनके टिफ़िन में रोज़ रखेंगे तो भी वो ये फिनिश करके आते हैं। तो ये भी हमारा पराठा जो है एकदम अच्छे से करारा सिक गया है। इसी तरह से बाकी के आप और भी बनाकर तैयार कर लें, तो जितने चाहे उतने पराठे बनाकर तैयार कर लें। यमी यमी हमारे ढेर सारे पराठे बनकर तैयार होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं देखते ही देखते, क्योंकि बनाना इतना आसान है, आटा इतना सॉफ्ट लगा है कि आपको बनाने में कोई भी झंझट नहीं लगेगी। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार आलू के पराठे। मैंने इन्हें दही के साथ सर्व किया है, प्लेन दही है, सिर्फ नमक डाला है इसमें और आम का अचार लिया है। तो आप भी इसे बनाएं। अभी आप इसको देखिए, मैं इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी आपको। एकदम गर्मा गर्म अंदर तक स्टफिंग भरी हुई है, और किसको किसको देख के मुँह में पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और जल्दी से जाकर किचन में बनाइए, क्योंकि इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, इतना ठंडा ठंडा मौसम है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो गर्मा गर्म हमारे पराठे तैयार हैं, साथ में दही भी है, अचार भी है, आप इसमें दही वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। और इस तरह से दही में डिप करें और ये टेस्टी से पराठों को एंजॉय करें। तो ये मेरी तरफ़ से आपके लिए, आप भी इसे एंजॉय करें। तो जल्दी से किचन में जाइए और इसे बनाइए, और कैसा बना कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पालक पनीर पराठा की रेसिपी। पालक पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके से भरा हुआ, फूला फूला और बहुत ही यमी टेस्टी सा ये पालक पनीर पराठा आपने अभी तक नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही इजी वे पर ये बनकर तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं इसकी स्टफिंग कितनी अंदर तक भरी हुई है, कहीं भी ये छूटी नहीं है, या फिर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर ये आटे आटे जैसा लग रहा हो। तो बस दही के साथ इंजॉय करना है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 3 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हमें डालना है नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालने हैं आटे में हमको। तो बस हमने नमक को अच्छे तरह से मिक्स कर देना है, मोयन वगैरह भी नहीं देना है। अब यहाँ पर मैंने ये पालक का प्यूरे लिए हैं, तो पालक को हमें अच्छे से ब्लांच करना है और इस तरह से पानी में हमें पीस कर इसे डाल देना है। पालक से ही हम इस डो को लगाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसमें अजवाइन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब हम इसमें, अगर आपके पास ज़्यादा प्यूरे है तो आप और पूरा आटा ही आप पालक के प्यूरे से लगा सकते हैं, और नहीं है थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा हमने ये पालक का आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल या फिर घी आप इस पर लगा दें, जिससे कि ये चिकना हो जाए। और जब तक मैं हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे ना, तब तक मैं हमारा ये जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। आटा बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से लचीला और सॉफ्ट होना चाहिए। तो बढ़िया सा हमारा आटा तैयार है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमने लिया है ये 150 ग्राम के लगभग पनीर, जिसे हमने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। तो आप इसी तरह से ग्रेट कर लें। इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे हम इसमें, और साथ में 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर आप यहाँ पर और भी कोई सब्जी, प्याज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जितने इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं उतने में ये जो पराठा है एकदम अलग लेवल का बनेगा। केवल इसमें पनीर और पालक का फ्लेवर और टेस्ट आएगा, जो कि हमको चाहिए। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देंगे या फिर और भी कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, तो फिर वो पनीर और पालक वाला जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। अगर आपके पास शाही पनीर वाला जो मसाला आता है वो हो, तो वो आप डाल सकते हैं।
अब दोनों चीज़ें हमारी तैयार है, तो यहाँ पर हमने आटे से एक लोई कट कर ली है। आटे में हल्का सा डस्ट करेंगे और इसकी एक कटोरी जैसे बनाएंगे। आपको ये पराठा बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप बच्चों के लंच बॉक्स में जब चाहें तब बना सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये अब हम जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, वो ढेर सारी हमने डाल दी है। और ये जो हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग का इस्तेमाल किया है, मिक्सअप्स का इस्तेमाल किया है, उससे इसमें एक पनीर का और एक जो चीज़ी वाला टेस्ट होता है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, वो आएगा। तो आप इस तरह से बनाइए। अगर आपके पास मिक्सअप्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें, थोड़ा सा चाट मसाला या फिर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले ऐड ना करें। और अब हमने ये अच्छे से इसको सील कर दिया है, हाथों से हल्का सा हम इसको बढ़ा लेंगे। पराठा मोटा पतला या फिर बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाथों से इस तरह से बढ़ाने से क्या होता है ना कि फिर पराठा बेलते समय बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा एक पेड़ा तैयार है। अब हल्का सा आटा डस्ट कर लेते हैं और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल देंगे। बिल्कुल भी ना ही हमारी स्टफिंग बाहर जाएगी और ना ही हमारा पराठा फटेगा, क्योंकि ना ही इसमें मॉइस्चर है और ना ही कोई तामझाम। तो इस तरह से अगर आप पराठे बनाकर तैयार करेंगे ना, तो विंटर के मौसम में हरे हरे पराठे, बहुत ही हेल्दी पराठे सभी को पसंद होते हैं। लेकिन एक ही तरह से बनाने से आप बोर हो जाते हैं, तो आप ये वाला तरीका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है वो एकदम तैयार है, कहीं से भी ना ही फटा है ना ही स्टफिंग हमारी बाहर निकली हुई है। तो ये देखिए हमने पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप इसी प्रोसेस से जितने चाहे उतने पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। पराठा रेडी है हमारा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर शेप के भी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसको डाल दिया है तवे में। दोनों तरफ से पहले सिकने देंगे और उसके बाद आप तेल, घी, बटर जिससे आपको आवश्यकता हो आप उसे सेक सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्हें तेल से सेकने वाली हूँ, तो जितनी आवश्यकता हो, अगर आपको कम तेल घी पसंद है तो आप कम डालें, बिल्कुल भी नहीं है पसंद तो आप इसे ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी आप पराठा बनाकर खाइए बिना तेल घी का, तो भी बहुत यमी और हेल्दी लगने वाला है, टेस्टी लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं पराठा हमारा एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आटा एकदम लचीला होना चाहिए, स्टफिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और तब आपका ये पराठा बहुत ही इसी तरह से गुब्बारेदार बनकर तैयार होगा, है ना। कितना लाजवाब और टेस्टी ये पराठा। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे। पराठा हमारा एकदम तैयार है, इसे निकाल लेते हैं बाहर। सर्दियों के मौसम में आप कितने प्रकार के पराठे बनाते हैं आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जो भी रेसिपी मैं डालूँ वो अपडेट आपको मिल जाए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जिससे कि आपको मेरी कोई भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ तो वो तुरंत आपको मिल जाए। तो देख रहे हैं सारे पराठे हमारे एकदम गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ रिफाइंड वाला, आप बटर से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो ये आपके ऊपर है, तेल, घी, बटर जो चाहे वो इस्तेमाल कर लें। वैसे पराठे शुद्ध घी के अच्छे लगते हैं। तो ये पराठा भी हमारा एकदम तैयार है। इसी तरह से आप जितने चाहे उतने बनाकर तैयार कर लें। और ये पराठे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें पनीर भी डला हुआ है और हेल्दी है, क्योंकि पालक भी डली हुई है। तो बेफिक्र होकर आप इसे बनाइए और सभी को पसंद आने वाले हैं। इसे सर्विंग करने के लिए आप टमाटर की चटनी, अचार या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे पराठे हमने बना लिए हैं देखिए, और उससे बहुत सारे बनेंगे। तो मैंने अभी बहुत जितने आवश्यकता है आप लोगों को दिखाने के लिए उतने बना लिए हैं, बाकी के मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये देखिए जितने भी पराठे बन रहे हैं वो सारे गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं, जो कि स्टफिंग कितनी ज़्यादा इसमें भरी हुई है आपने पहले ही देखा है। तो बस पराठे इस तरह से आपको बनाने का मन करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो ये भी पराठा हमारा एकदम तैयार हो गया है। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी यमी हमारे पालक पनीर पराठा, है ना, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। थाली देखते ही आपके मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।
और जल्दी से जाकर किचन में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर में रखी हुई सारे इंग्रेडिएंट हैं, आप झटपट से कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग देख रहे हैं कितने अंदर तक भरी हुई है, कहीं भी नहीं छूटी है, और पराठा अंदर से ना ही आपको बहुत मोटा लग रहा है, ना ही आटे जैसा फील हो रहा है। गर्मा गर्म पराठे जब दही के साथ डुबोकर आप खाते हैं ना, तो ठंडी का जो ये सर्दियों का जो मौसम है, एकदम बहुत ही आनंद का अनुभव होता है जब आप इस तरह से इसे एंजॉय करके खाते हैं। तो लीजिए, आप भी इसे एंजॉय करें। बहुत ही यमी और टेस्टी ये पराठा बनकर तैयार हुआ है, तो आप भी इसे जल्दी से बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के स्पेशल बहुत ही टेस्टी यमी गोभी के पराठे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। साथ में आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, एकदम अंदर तक भरी हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल भी बनाते समय ये पराठे फटेंगे भी नहीं और ना ही तेल में खुलेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यमी सी टमाटर की चटनी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक फूल गोभी ले ली है, इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर ये ग्रेटर से हमने इसे ग्रेट करना है, तो पतले वाले बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। पहले गोभी को आप अच्छे से देख लें कि इसमें कोई भी कीड़े वगैरह ना हो। इस समय जो गोभी आती है बहुत ही फ्रेश और ताज़ी आती है, बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। फिर भी आप उसे एक बार पानी में अच्छे से गर्म पानी में डालकर धो लें। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक हमें गोभी को ग्रेट करना है, बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो सारी गोभी को हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे या फिर ग्रेट कर लेंगे। पूरी गोभी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देना है नमक। नमक डालने से इसमें जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा बाहर, और इसको स्क्वीज़ करके हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे जो पराठे वो बिल्कुल भी नहीं फटते, क्योंकि हमने सारा मॉइस्चर इसमें से निकाल लेना है। तो नमक डालकर अब इसको हम रख देंगे साइड में। यहाँ पर हमने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा, साथ में इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें तेल घी कुछ भी नहीं ऐड करना है हमको, बस इसमें डालना है पानी और इसका बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लगाना है। तो एकदम ये देखिए सॉफ्ट लचीला सा आटा हमने लगा लिया है। थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको चिकना कर ले और इसको भी रख दें साइड में। जब तक मैं हम स्टफिंग को तैयार करेंगे, तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो गोभी को नमक डालकर छोड़ा था, ये काफ़ी अच्छी तरह से देखिए पानी इसमें से निकलेगा। तो सारे पानी को आप स्क्वीज़ कर लें। पानी को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ही गोभी को बना लेंगे तो जब आप पराठे बनाएंगे ना, तो पूरा पानी उसमें स्टफिंग से निकलेगा और बिल्कुल चिपचिपे से फटे फटे से हमारे पराठे बनेंगे। तो कभी भी आप सब्जियों से भरा हुआ पराठा बनाएं तो उसमें पहले नमक डाल दें और इस तरह से स्क्वीज़ कर लें। इसको पानी से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, बस हल्का सा आपको इस तरह से स्क्वीज़ करना है, हो गया। तो ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया, अजवाइन डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, इससे पराठे का स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो इसको क्रश करके डाल दें। अब नमक डाल देंगे थोड़ा स्वाद के अनुसार, क्योंकि पहले ही गोभी में नमक डला हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट करके ही डालें, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाद हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल गोभी का पराठा बना रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी से बेसिक से मसाले डालेंगे, जिसमें से 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको भी मिक्स कर देंगे। मसालों का भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर जो गोभी का ओरिजिनल स्वाद है ना, वो चला जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अमचूर का पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब इस स्टफिंग को हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप में इसमें कोई मसाले या फिर कोई वेजेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टफिंग तैयार है, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको एक बार हम नीट कर लेंगे और अपने आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े जैसे भी पराठे आपको पसंद हो, आप उस हिसाब से इसकी लोई कट कर लें। तो अब हम इसमें से 1 मीडियम साइज़ की लोई को कट करेंगे। हाथों से इस तरह से हम एक पेड़ा बनाएंगे, आटा डस्ट करेंगे और इसकी एक कटोरी जैसे बना लेंगे।
तो अब इसको इस तरह से हम कटोरी जैसे बना लेंगे, जिससे कि जब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी स्टफिंग इसके अंदर आ जाएगी। जब आटा हमारा एकदम लचीला सा होता है तो कभी भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है, तो कभी भी स्टफ वाला जो भी पराठा आप बनाते हैं ना, उसके लिए आप आटे को एकदम लचीला कर लें और इसके अंदर आप अच्छे से स्टफिंग को भरेंगे और आप देखिएगा बिल्कुल भी ना ही ये फटेंगे ना ही ये चिटकेंगे और बहुत ही अच्छे से ये मसालेदार भरे हुए हमारे पराठे होंगे तैयार। आपको मेरे चैनल में इस तरह से आसान, टेस्टी और घर में रखे सामान से बनी हुई अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को एवरीडे मिलती ही रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पराठे को हमने बहुत अच्छे से स्टफ कर लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हाथों से इस तरह से बढ़ा लेंगे। ऐसा करने से पराठा और भी जल्दी से बिल जाता है और ये बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर ये रोटी बेलने वाला ले लिया है, अब इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब हम पराठे को बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे और एक दो बार बेलने पर ही ये पराठा अच्छे से बढ़ जाएगा बिना फटे हुए। तो अब हम हमारे पराठे को बना लेंगे। इस तरह से आप जितने चाहे उतने पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी करके रखना चाहते हैं तो आप आटे को मार लें और स्टफिंग को इस तरह से बनाकर भी रख सकते हैं, और जब भी आपका बच्चों को लंच बॉक्स में बनाना हो, ब्रेकफास्ट में बनाना हो, या फिर कभी भी आपका इस तरह से पराठे स्टफ्ड बनाने का मन करे तो आप इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पराठा बिल्कुल भी नहीं फट रहा है और बहुत अच्छे से बेल भी रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राई प्रन लग रहा हो तो थोड़ा सा आप आटा इसमें डस्ट कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म तवे में डाल देंगे और तवे में डालकर इसको दोनों तरफ से हम पहले सेकेंगे और इसके बाद ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक तरफ से हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर तेल, घी, बटर जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। गैस का फ्लेम भी आप अपने आवश्यकता अनुसार तेज या फिर धीमा कर सकते हैं, क्योंकि पराठों में टेम्परेचर अपने हिसाब से होता है कि जिस हिसाब से आपको पराठे बनाने हो जितने जल्दी वैसे आप इन्हें सेक सकते हैं। तो तेल डालने के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया सा इनमें गोल्डन सा कलर आ रहा है। सभी तरफ से अच्छे से सिकने देंगे, बहुत ही बढ़िया सा ये पराठा तैयार होगा। तो ये देखिए बढ़िया सा गोभी का पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से सारे पराठों को बनाना है और सेकना है, तो इस तरह से आपके पराठे झटपट से बनकर तैयार भी होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और कहीं से भी आपका पराठा ना ही लीक करेगा और ना ही फटेगा। कि क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पराठा जब स्टफ्ड अच्छे से नहीं होता है तो वो तेल भी ख़राब करता है और बनाते समय भी बहुत ज़्यादा बेलन में चिपकता है। तो अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके कितने भी पराठे आप बना लें वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे गर्मा गर्म गोभी के टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते जा रहे हैं। इस रेसिपी को आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप भी ऐसे ही बनाते हैं तो भी कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और इससे भी अच्छा तरीका जानते हो तो वो भी आप शेयर कीजिएगा। अब इसके साथ खाने के लिए हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो हमने लिया ये दो बड़े साइज़ के टमाटर, लहसुन की 6 से 7 कलियाँ ले लेंगे, 2 चॉप की हमने यहाँ पर ये हरी मिर्च और धनिया डाल देना है, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और बस इसे हम पल्स में या फिर ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। तो ये टमाटर की चटनी हो गई हमारी, और ये मिर्च की जो अचार होता है घर में बना हुआ वही अचार हमने ले लिया है। ढेर सारे हमने गोभी के पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। स्टफिंग से बिल्कुल भरा हुआ ये पराठा बनकर तैयार है। जब आप इसे टमाटर की चटनी, अचार या फिर दही के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका स्वाद 2 गुना होकर बढ़ने वाला है। किसको किसको ये देखकर भूख लगाई या फिर इतना टेस्टी लगा कि अभी जाकर आपका मन कर रहा है बनाने का, तो जल्दी से किचन में जाइए और इस तरह से गोभी का पराठा और ये टमाटर की चटनी बनाकर खाइए। तो एकदम अंदर तक स्टफ्ड हमारा बहुत ही टेस्टी यमी गोभी का पराठा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए अंदर तक हमने इसको स्टफ्ड किया है। मैं आपको यहाँ इस तरह से तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि जिससे कि आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये कहीं से खाली है। बहुत अच्छे से अलग अलग जगह पर एकदम स्प्रेड है, और बस ये चटनी के साथ
खाने का जो मज़ा है ना, वो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी जल्दी से जाइए, बनाए खाएं, इंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।